इतनी खूबसूरत डड्डू गाड़ी नहीं देखी पूरे पाकिस्तान में। अलावा जी बोर्ड के अंदर मोरी कार के फ्रेशनर खिड़की फिट करवाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से टीम 4 की तरफ से आप लोग खिदमत में हाजिर हैं और अभी मौजूद हूं स्कैम कार के अंदर। मेरे साथ चार दिन और पिछले मौजूद हैं। सबसे पहले नबील इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस, शेरी किंग फ्रॉम 4 के गैराज, नाबीना मैन। इसके भाई साहब जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है, अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं। और माय फ्रेंड अदील यहाँ पे मौजूद है। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? तो आज हम जा रहे हैं पाकविज ऑटो शो सियालकोट के ऊपर। अब वहाँ पे जाने का हमारा कोई मूड नहीं था, किसी भी एंगल से मूड था, लेकिन हमारे नबीज लोग तो आज ही बैठे बैठे कोई उंगल आई, उन्होंने कहा कि उस्ताद सारे बंदे उठो और चलो। अब अपनी गाड़ियों के ऊपर आए तो हमारी लाश सारी उस्ताजी पिंडी पहुंची हुई, वहाँ जाके इंजॉय कर रही है। अब शिप लाइक के ऊपर आए तो डंडी पिंडी का काम शुरू हो गया है। शहरी गेंग की 2ZZ के ऊपर आ जाए तो उसकी गाड़ी को फिलहाल हमने आधे से ज्यादा नंगा किया है रेसिस वगैरह के लिए। अदील के ऊपर आया तो उसकी मम्मा ने इसको मना किया, तुमने अकेली गाड़ी बाहर नहीं लेके जाना, तुझे अब चौके ले जाएंगे। जैसा आप लोगों को पता है, 2 दिन पहले इमरान खान के लत में गोली बाजी है, जिसकी वजह से पूरे का पूरे पाकिस्तान में WWE स्मैकडाउन वर्सेस रॉ स्ट्रीम रूल जारी है। आर्मी वाले उस्ताजी टैंक चुके ले आए हैं, कोई बंदे कंटेनर चुके ले आए हैं और हर जगह उस्ताजी चंडू चंडी सीन चाह रहे हैं। तो अभी हम अल्लाह का नाम लेके पाकविज ऑटो शो सियालकोट की तरफ प्रवास कर रहे हैं। अगर वहां पे पहुंच गए तो आपको मैं सोनी सोनी गाड़ी में गेड़े करवाऊंगा, अगर नहीं पहुंचे तो आपको मैं सिंगल सारे के सारे चंडू चंडी सीन भी चेक करवाऊंगा। पीछे से ना चढ़ो, ये क्या बातें खा रहे हो, ये रवीज लोगे नंगे साथ फाश हो रहे हैं यहाँ पे। मुझे क्या देखना पड़ा, इससे अच्छा मैं अंदर ही ठीक तो अल्लाह ही ठीक है, पीछे बैठ जा। हम सियालकोट पहुंच गए हैं। नाज़रीन द फ्लक्चुएशन ऑफ द एंथुसियास्टिक हार्ट टारगेट एंड सर्फ एक्सेल ऑन द टॉप ऑफ द एनर्जेटिक एंड यू फ्रेंडशिप और नॉट मे बी यस यस एंड गूगल एंड नेट एंड इंटरनेट एक्सप्लोर इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन यस। साकी बकवास की थी अभी दास एंडू यस ओके जो भी कहा, मैं भी यही कहना चाह रहा था तब का। बाकी पिछले का जा करे उतनी देर में आपको अधीर हो के ड्रेसिंग का गिड़ा करवाता हूं। सबसे पहले देखें जी, आज को एक बार फिर इसकी मम्मा ने तैयार करके भेजा है। ये देखें सबसे पहले जफर सुपारी, जफर सुपारी नीचे बुनेजा की बुनियान। तो साजी लगी चेक करें आप, और पीछे से ना दिखाई जूते चेक करें, फ्रेश फ्रॉम लंडे 800 के लिए है, 850 बार्गेनिंग की है इसने। ये हमारे एक बशिंदा बात पा गए, लास्ट ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे चेरी किंग। ये चेक करें जी हमारे साथ जहाँ पे मौजूद है टीम सिनिस्टर ऑफिशियल एडमिन बिल्कुल कैरे डब्बे के पीछे। ये आए जी, ये आए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है हमारे फ्रेंड अहमद तूर और उस्ताद जी। यहाँ पे मेहनत चाह रही है, देखो जी गड्डी खुद ही हवा अभी चुके चेक जी, फिटमेंट चेक करें ना दी, वेरी नाइस 9:30 टक इन फिटमेंट। ये देखो जी नो गैप आर यू फुल टायर फिटमेंट। सैमी आतिफ के दुख दिखाते हैं सर जी, दिखाएं जरा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या हो रहा है बच्चों में लॉगर्स को इधर आओ जरा मैं आपको दिखाता हूँ। ओ माय गॉड, लेफ्ट फोर्क फ्रंट फेलियर, पार्किंग फ्रंट लाइट फेलियर, फ्रंट ब्रेक पैड और भी एक तो सेंसर आ रहे 240 किलोमीटर, वो देख फ्रंट लाइट फेलियर। लो जी फेलियर ही फेलियर हो गया यार, फेलियर हो गया लेकिन नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ेंगे, कोई माफी नहीं। काम की चीज उन्होंने पीछे छुपा के रखी हुई है, अभी सारे रिम लगा के आया है, अभी उस्ताद जी के रिम टायर भी चेंज करेंगे और उसके ऊपर आपको पता है उस्ताद जी गाड़ी बड़ी वैसी किस्म की लगती है। पार्क भी इसके लिए स्पेशल राइड्स यहाँ पे तैयार की है। सबसे पहले चाचा साइकिल, यहाँ पे गाड़ियाँ तैयार होनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले सैमी आते फिर गाड़ी यहाँ पे हवा में हमने चुक दी है, सेक्सी वाले रिम इसको लगने लग गए हैं। A1 फ्रेश मैरान फॉर यू विद वीड दा पता फॉर यू। उसके अलावा आगे आए तो ये नबील इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस की पुरानी गड्डी EX F20B इजी। उसके अलावा उस्ताद जी चेक करो फ्रेश पल्टस फॉर यू, वींगियां लता है प्रेस मुकाबले लुकिंग नाइस, अकल मजबूर वाला रंग किया हुआ। जैसा आप देख सकते हैं उस्ताद जी यहाँ पे शो चल रहा है, यहाँ पे नान छोले चल रहे हैं,
शहर की भूख से मरने वाला था, इसको हम कुछ खिला रहे हैं, नहीं तो इसने हमें मार मारा जानता। सैमी साहब ऑफिशियल बैटमैन और ना सर लड़ना नहीं है, सही तरह तोड़ ले। और उस्ताजी एक बार फिर से हम अपने नेशनल होली में आगे व्लॉगिंग करने के लिए, अब यहाँ से उस्ताजी सारा कुछ हम अंडरग्राउंड करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिरबों से। तो उस्ताद जी बंदे ने थबा थबा पैसा रोड़ा हुआ इस गाड़ी को, जितना पैसा इस गाड़ी को पर लगा हुआ है उतने में ऐसी दो गाड़ियाँ और आती हैं, लेकिन वो कहते हैं शौक का कोई मूल नहीं। तो सबसे पहले हम गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट पे आप चेक कर सकते हैं, इसको CRZ का फ्रंट बंपर लगा हुआ है, थल्ले दो कनाड्स नजर आती हैं जो गाड़ी के फ्रंट की लुक को एनहेंस करती है। उसके बाद गाड़ी के रिम्स के ऊपर आते हैं, तो उस्ताद जी रिम बड़ा टैड किस्म का लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर, रोटी फॉर्म के ओरिजिनल रिम्स, टू पीस रिम्स। उस्ताद जी खुल के दो समझ दें, और रिम्स ही हैं यही कल भाई साहब 8 से 9 लाख के। उसके बाद टायर प्रोफाइल के ऊपर आ जाए तो इसको 285, 35, 18 की प्रोफाइल लगी हुई है, और साइड पे आपको साइड स्कर्ट्स नजर आती है। साइड प्रोफाइल के ऊपर आ जाए तो इसको फ्रंट और बैक दोनों पे रॉकेट बनी स्टाइल व्हाइट बॉडी फेंडर्स लगे हुए हैं। उसके बाद गाड़ी के पिछवाड़े के ऊपर आ जाए तो जिसका पिछवाड़ा बड़ा ही सोना किस्म का है, पिछवाड़े पे सबसे पहले आप देख सकते हैं इसको जी ऊपर करके यहाँ पे LED स्मोक टेल लाइट्स लगी हुई है। उसके बाद आप नीचे चेक करें तो आपको यहाँ पे फ्रेश बड़ा तूता नजर आता है जो कि मुंह से काला धुआं निकल रहा है, बड़ा स्पॉइलर, और इस गाड़ी के अंदर जी K24 इंजन है। उसके बाद हम आते हैं सिविक एक्स के ऊपर, तो इस गाड़ी के अंदर फुसफुस सस्पेंशन है, फुसफुस सस्पेंशन बोलते जी एयर सस्पेंशन है गाड़ी, आप चाहते हैं फुटा भी जमीन के साथ चुमिया करी है। रिम्स के ऊपर आ जाए तो उस करें बड़ा सोना किस्म का ये स्टैगर सेटअप है। उसके अलावा उस्ताद जी तुसे बस फिटमेंट चेक करो फुल टाइम जी, यहाँ पे फेंडर टुल्ले फिटमेंट किए हुए उन्होंने, गड्डी की उरली साइड पे है तो यहाँ पे साइड स्कर्ट्स फिर स्पीडर लगे हुए हैं, गाड़ी के बैक वाले फिटमेंट के ऊपर आए तो उस्ताद जी आप चेक करते हैं बैक की फिटमेंट भी टाइट किस्म की, गाड़ी की बैक पे आपको डिफ्यूजर स्मोक लाइट्स और मुन्ना जी स्पॉइलर नजर आता है। उसके साथ साथ उस्ताद जी शो के ऊपर हरियाली भी ज्यादा हो गई, लेकिन ये जो हरियाली है ये बच्चों वाली हरियाली नहीं गाड़ियों वाली हरियाली है। उस्ताद जी जैसा आप चेक करते हैं यहाँ पे जी बहुत सारी गाड़ियां आ गई, बहुत सारी गाड़ियों के बहुत सारे गेड़ करवाऊंगा वो भी 240 स्पीड पे। तो सबसे पहले आते हैं सिविक एक्स के ऊपर, 18 इंच के अंदर वर्क मोशन आर्म्स लगे हुए हैं, साइड पे आप चेक करते हैं इसको साइड स्कर्ट्स में स्पीडर लगे हुए, गाड़ी के फ्रंट के ऊपर आ जाए तो फ्रंट पे आप चेक करते हैं इसको जी टाइपर वाला फ्रंट बंपर लगा हुआ है। उसके बाद हेडलाइट्स के ऊपर आए तो इसको LED हेडलाइट्स लगी हुई है। उसके बाद साइड पे आप चेक करें तो यहाँ पे हमारे शहरी साहब की मार्क एक्स खड़े हुए काले रंग के अंदर। इस गाड़ी के अंदर उस्ताद जी 3GR इंजन जो कि होता है 3000 CC इंजन। रिम्स के ऊपर आ जाए तो इसको जी हमारे प्रोजेक्ट जनाजे वाले पुराने वोजन रिम्स लगे हुए, इस तरह इंच के अंदर गाड़ी के रंग के ऊपर आए तो उस गाड़ी का असली रंग आसमानी ब्लू है, लेकिन उन्होंने फिलहाल गाड़ी को अपनी ब्लैक के अंदर रैप कराया है। और उस्ताद जी चेक करते हो ब्लैक विच लुकिंग वेरी नाइस फ्रेश 4K गैराज फॉर यू। एक बच्चे की हरकत तुम चेक करो, उस्ताद जी रेस उसे पैर देके सो ही गया जी, लेकिन बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट से चेक करो है पर शेर। उसके बाद स्कल्टर्स के ऊपर आए तो उस्ताद जी ये मन सुनी लग रही है, सबसे पहले फ्रंट के ऊपर आप देखें तो आपको यहाँ पे फैब्रिकेट नजर आती है। साइड पे रिम्स के ऊपर आए तो आपके प्रा के फेवरेट रिम्स 1x14 इंच के अंदर। साइड पे थोड़ा और आए तो आपको यहाँ पे प्लास्टिक के अंदर स्प्लिटर नजर आता है। बैक की फिटमेंट के ऊपर आए तो उस्ताद जी विंग है लता पुलिस मुकाबले आप चेक करते हैं, इन्होंने जी बैक से गाड़ी कैंबर की हुई है, और ऊपर देखें जी उन्होंने क्या लिखा है, टू ट्रांसलेशन तेरी बच्ची नू मेरे स्टैश नाल प्यार है। उसके बाद इस BMW के ऊपर आए तो सबसे पहले आप इसकी विंडस्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको ये पहली नजर में कार्जर की जगह कुछ और लगा हुआ नजर आता है, या तो हमारा जेन गंदा हो गया या फिर कोई और मसला हो गया जेन के साथ। स्विफ्ट के ऊपर आए तो भाई ने पूरी गाड़ी जमीन के अंदर ही बाढ़ के रख दी है। रिम्स के ऊपर आए तो उसको अल्ट्रा लाइट वेट स्पून रिम्स लगाए हुए हैं। गाड़ी के फ्रंट के ऊपर आए तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसको जी प्रोजेक्टर स्मोक हेडलाइट्स लगी हुई है, और बोनट विच मोरी करके उन्होंने फ्रेश दो तूते बाहर कटे हुए, एक छोटा एक वड्डा। उसके बाद हम आए थे अपने फ्रेंड सैमी आतिफ टीम सिनिस्टर ऑफिशियल एडमिन की गाड़ी के ऊपर, तो उस्ताद जी बड़ी सोनी गाड़ी है। रिम्स के ऊपर आए तो उसका रिम मुझे बड़ा ही कमाल किस्म का लगता है, ये जी स्टैगर सेटअप है 19 इंच के अंदर ओरिजिनल BMW के रिम्स, फ्रंट 8.5 GG है और जो बैक वाले हैं वो जी 9.5 GG है, और इन रिम्स के साथ आप थल्ले बैक उस्ताद जी गाड़ी बस लुक चेक करें, मैं कहता जी देखिए आपको प्यार हो जाएगा गाड़ी से ए चेक करो जी। त्रिभुवन के ऊपर आए तो उस्ताद जी पूरे पाकिस्तान में मैंने किसी गाड़ी का ऐसा एवर रंग नहीं देखा, किसी किस्म का रैप नहीं है, ये रंग है। गाड़ी के फ्रंट पे आप चेक करते हैं इसको जी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स लगी हुई, नीचे आपको FD2 टाइप आर वाला फ्रंट बंपर नजर आता है। उसके अलावा उस्ताद जी एक बार फिर रंग बड़ा ही सोना किस्म का आपके ऊपर आके एक बार फिर फेवरेट रिम्स एनकाई RPF 1 17 इंच के अंदर 8.5 GG स्ट्रेट सेटअप है। फ्रंट वाले भी 8.5 GG और जो बैक वाले वो भी 8.5 GG। आपको गाड़ी का पिछवाड़ा चेक करवाऊँ तो उस्ताद जी इसका पिछवाड़ा बड़ा खूबसूरत किस्म का, बैक पे आपको क्लियर टेल लाइट्स मिलती हैं, और ओवरऑल गाड़ी के लुक के ऊपर आए तो उस्ताद जी सिंपल है और खूबसूरत है। उसके बाद सिटी के ऊपर आ जाए तो भाई ने इस गाड़ी को सांपा बनाने की कोशिश की, फ्रंट हेडलाइट भी आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जी सांपा वाले दंद भी नजर आएंगे। उसके अलावा जी बोनट के अंदर ने मोरी करके फ्रेशनर खिड़की फिट करवाई है ताकि इनका जी सोना सोना इंजन पे जो है वो जी आवाम को नजर आए। इंजन मेरे ख्याल में इसके अंदर 1300 CC L13 होना है L15 होना, ओवरऑल गाड़ी की वरायटी के ऊपर तो उस्ताद जी खिड़की वाली वरायटी मैंने पसंद आई है। लो जी इन्होंने कह दी सड़ जाओ सारे सारे सड़ जाओ। उसके बाद इस Volkswagen Beetle के ऊपर आ जाए तो सबसे पहले मैं कहूंगा उस्ताद जी माशाल्लाह मैंने इतनी खूबसूरत डड्डू गाड़ी नहीं देखी पूरे पाकिस्तान में। गाड़ी के फ्रंट के ऊपर आप चेक करते हैं उन्होंने प्रोजेक्टर हेडलाइट्स लगाई हुई है सजी साइड पे भी तो खब्बी साइड पे भी। उसके ऊपर आए तो उन्होंने 15 इंच के अंदर 8.5 GG के डीप डिश इंस्टॉल किए हैं जो कि गाड़ी के ऊपर बड़े ही सूट कर रहे हैं। बैक की फिटमेंट चेक करें उस्ताद जी
मैं कहता जी सीधा कहना नहीं पैदो, मैं कहा लो जी अन्नी पै गई। बैक से गाड़ी की टक इन फिटमेंट हुई भी है और टक इन फिटमेंट के साथ उस्ताद जी गाड़ी बड़े मजेदार किस्म की लग रही है। ओवरऑल गाड़ी की बैक लुक के ऊपर आए तो उस्ताद जी लुकिंग वेरी नाइस। उसके अलावा आप देखते हैं गाड़ी के उन्होंने छत वाड़ के रख दी है, बारिश के अंदर आपकी टेंट गिली हो जाएगी। थले आप देखो तो यहाँ पे आपको फुल टाइम जी बिग तूता नजर आता है। एक इंटीरियर के ऊपर आए तो उस्ताद जी ने इंटीरियर के अंदर छोटी मोटी वैरायटियां लगाई हुई। सबसे पहले आप देखते हैं नीचे उन्होंने गेजेस लगाई हुई है, क्विक रिलीज किट लगाई हुई है, गियर नॉब लगाई हुई है। सीट्स के ऊपर आए तो उन्होंने ब्राइट के अंदर बकेट सीट्स लगाई हुई है एडजस्टेबल वाली। ओवरऑल गाड़ी के बिल्ड के ऊपर आए तो उस्ताद जी खूबसूरत एंड यूनिक। बाद सिटी के ऊपर आ जाए तो उस्ताद जी ने इसको आंखों में बजने वाला रेड क्रोम रैप करा के रखवाया। सबसे पहले आप देखते हैं इन्होंने जी होंडे वालों के साथ धोखा कर दिया, उसका लोगो उतार के अंदर अवेंजर्स का लोगो लगा दिया। हेडलाइट्स के ऊपर आए तो उन्होंने हेडलाइट्स के अंदर बाइक ज़ोन प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल कराए हैं डियर लाइट्स के साथ। गाड़ी के रिम्स के ऊपर आ जाए तो उन्होंने गाड़ी को वर्क मोशन आर रिम्स लगाए हुए हैं। इन रिम्स के साथ गाड़ी की मैक्सी फ्लैश फिटमेंट है, मतलब जी ट्रिम और टायर थोड़ा बहुत बाहर है फ्रंट से भी और बैक से भी। ओवरऑल फ्लैशी बिल्ड फॉर यू। इधर ऐसा क्या हो रहा है, इधर ऐसा क्या हो रहा है, इधर ऐसा क्या हो रहा है। उस्ताद जी स्क्रोला के ऊपर आ रहे हैं, सबसे पहले आप चेक करते हैं इसको जी स्मोक हेडलाइट्स लगी हुई है। थले आप चेक करें तो आपको यहाँ पे फ्रंट लिप नजर आती है। रिम्स के ऊपर आए तो इसको जी नॉर्थ वीज लगे हुए हैं और मेरे ख्याल में स्टैगर्ड सेटअप है। पर मुझे नहीं पता क्योंकि भाई ने उस वक्त बताया था लेकिन मैं भूल गया था। साइड पे आप देख सकते हैं इसको साइड स्कर्ट्स लगी हुई है ओरिजिनल वाली जेन्युइन प्लास्टिक। गाड़ी की बैक पे आपको यहाँ पे थले नीचे करके एचकेएस वाला तूता नजर आता है। ऊपर आए तो यहाँ पे आपको सोबान E140 एम्पायर स्टेट सियाल कोड नजर आता है। बाबा जी सियाल कोड। उस्ताद जी ये देखो जहाँ मुकाबले हो रहे हैं हफ्शी भी लाके बाबा वाइट हफ्शी। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा वाइट हफ्शी। यहाँ पे डेंगू मच्छर मार स्प्रे चल गया है, ये आप देख सकते हैं हर जगह धुआं ही धुआं हो गया है। इसलिए मैं मास्क पहन के फिर रहा हूँ जाने ना मैं मरा ना। ये मैं बताया इसलिए बचाना है। लो जी आ गए हो, वो भाई कह रहे हैं उनके अंदर का कीड़ा मार के। लो उस्ताद जी डीजे बर्टिंग की हाउस बाद इस फेयर लेडी जी के ऊपर आए तो उस्ताद जी दो महल का प्लाट मल के खड़ी हुई है फुल टाइम जिसको व्हाइट बॉडी किट लगाई हुई है और बहुत ही वैश और व्हाइट गाड़ी लग रही है। बैक पे आप चेक करते हैं ऊपर आपको जी वड्डा स्पॉइलर नजर आता है, नीचे आपको जी खूबसूरत है फेयर लेडी जी फॉर यू। उसके बाद आप फेंडर्स देखें उस्ताद जी चंगे बड़े चौड़े फेंडर लगे हुए हैं इसको। पे फेंडर के लिहाज से फिटमेंट बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्पेसर्स इंस्टॉल किए, उसके बाद इस गाड़ी को स्पाइस अप स्टैगर सेटअप रिम्स डाले हैं। लेकिन साइड प्रोफाइल के ऊपर आ जाए तो उस्ताद जी फेंडर्स और जो साइड स्कर्ट्स हैं पूरी की पूरी ओवरऑल जो बॉडी किट है उस्ताद जी बड़ी ही खूबसूरत किस्म की लग रही है। लो जी फिर अंडरटेकर आ गया। मरना नहीं है, जिंदा रहा जिंदा रहा जिंदा रहा। उस्ताद जी तुसी भी जिंदा रहना, मरना नहीं है नहीं। उसके बाद इस रिबॉन के ऊपर आए तो सबसे पहले आप देखते हैं साइड मिरर्स फुल टाइम जी कन्नी लैप स्टाइल। उसके बाद रिम्स के ऊपर आए तो उसको जी 17 इंच के अंदर रोटी फॉर्म रिम्स लगे हुए हैं। ऊपर आए तो उसको जी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स लगी हुई है। बोनट के ऊपर आए तो उसको जी कार्बन फाइबर हुड लगा हुआ है। उसके अलावा आप देखते हैं ये भी भाई साहब भूत बंगला क्लब के मेंबर है। फ्रंट के ऊपर म्यूगन आरआर वाली किट लगी हुई है। उसके बाद साइड पे आप देखें तो आपको यहाँ पे ये खूबसूरत लैंटर नजर आती है और ये वाले भाई भी भूत बंगला क्लब के मेंबर है। जैसे तुम देख सकते हो गाड़ी के ऊपर आए तो सबसे पहले फ्रंट के ऊपर आप थले चेक कर सकते हो, उन्होंने फ्रंट स्पीटर लगाया हुआ है। ऊपर आए तो उन्होंने खूबसूरत JNC रिम्स लगाए हुए 17 इंच के अंदर। ओवरऑल गाड़ी लुकिंग सिंपल एंड नाइस। की कई 70 को पर तो इस गाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज मुझे इसका दिल लगा है। आपको दिल चक्रवा तो उस्ताद जी देखो
खूबसूरत 3SGE बीम्स टक्ड इंजन बे फॉर यू उस्ताजी, जो भी बॉडी वायरिंग है सारे के सारे उस्ताजी ने गैप शेयर कर दिया है। उसके बाद आप गाड़ी के रिम्स के ऊपर आए तो उन्होंने जी बटाना भी इसके अंदर रिम्स इंस्टॉल किए हैं 15 इंच के अंदर। बट ये जो रिम्स हैं उस्ताजी स्ट्रेट सेटअप हैं, फ्रंट वाले जो रिम्स हैं वो भी 9 JJ और जो बैक वाले हैं वो भी 9 JJ हैं। इसके अंदर एक 10.5 JJ वाला वर्जन भी आता है, लेकिन उनकी फिटमेंट बनाना उस्ताजी बड़ा ही ओखा काम है। इसके ऊपर 9 JJ वाले सोने लग रहे हैं। गाड़ी की बैक पे ऊपर आए तो आप चेक कर सकते हैं इसका जो पिछवाड़ा इन्होंने काला किया है, ओवरऑल गाड़ी के लुक के ऊपर आए तो उस्ताजी आई लाइक इट। फोर के जिंदाबाद, फोर के जिंदाबाद, फोर के जिंदाबाद। किसी को सवाल करना चाहेंगे? डोंट टेक टेंशन स्मोक मैन सर। लुस्ता जी यहाँ पे टीम सुनील सुरक्षित आदमी को झूले मिलने वाले हैं। चल इसको रोक दो। लो जी ये आखिरी आ रहा है। रोक जरा, रोक रोक रोक। ऐसा लग रहा है कितनी उंगलियां बीएम उल्टी गई है। उठ के बाहर आ जरा। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाबू जी ज्यादा।